हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात कोरोना महामारी की। 5 राज्यों में कोरोना की सेकेंड वेव बेकाबू होती जा रही है। 80% नए केसेस महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और केरल से आ रहे हैं। 20 से ज्यादा शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है और महाराष्ट्र के तो कई शहरों में जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। वहीं पंजाब वेव, ये सेकेंड वेव इतनी खतरनाक है कि 30% से ज्यादा मरीज सीरियस कैटेगरी में है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या देश में फिर लॉकडाउन लगने वाला है। महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिलों में पाबंदियां। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू। गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू। एमपी के 2 शहरों में नाइट कर्फ्यू। 2 में लगी धारा 144। घूमना बंद करें, अपने अपने घरों में जाइए। उत्तराखंड के मसूरी के कई इलाकों में लॉकडाउन। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा में धारा 144 लगी। देश के कई राज्यों में कोरोना की नई वेव कयामत बनती जा रही है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब अपने यहाँ फुल लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में हालात काबू में लाने के लिए नई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी और कभी न सोने वाली मुंबई में रात का कर्फ्यू लगाने की चर्चा तेज है। तो क्या फिर लॉकडाउन लगने वाला है? पिछले साल मार्च का ही महीना था जब पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। 2021 के मार्च में फिर सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन लगेगा। आप कुछ आंकड़े देखिए, आपको इस सवाल की वजह समझ में आ जाएगी। पिछले हफ्ते देश के 70 जिलों में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 150% बढ़ गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 23,179 मामले सामने आए थे। ये पिछले साल सितंबर में महाराष्ट्र के कोरोना के पीक के आंकड़े से 24,886 से थोड़ा ही कम है। बुधवार को ही पंजाब में कोविड-19 के 2,039 केस सामने आए। पंजाब में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में डेथ रेट पहली वेव से ज्यादा है। देश के नए कोविड केसेस में से 80% केवल 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब से आ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि बुधवार को खुद प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की और कहा कि वो कोरोना की सेकेंड वेव के कहर को रोकें, टेस्टिंग बढ़ाएं, टीकाकरण में रफ्तार ले आएं। देश में जनवरी में कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पीएम मोदी पहली बार मुख्यमंत्रियों से मुखातिब थे। चिंता की बात यह है कि महामारी की सेकेंड वेव महामारी बड़े शहरों से आगे बढ़कर छोटे शहरों और गांवों में कहर ढा रही है। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। अगर हम पिछले 5 दिन में केस की रफ्तार पर नजर डालें तो पीएम मोदी की चेतावनी की वजह क्लियर हो जाती है। 13 मार्च को 25,154 केस आए, 14 मार्च को 26,513 केस आए, 15 मार्च को 24,437 केस आए, 16 मार्च को 28,869 केस आए, 17 मार्च को 35,871 केस आए। पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें
तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है, 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले दो सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई है। भारत में कोविड 19 महामारी के दूसरे वार के शिकार राज्यों में पहला नंबर महाराष्ट्र का है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कोरोना का दूसरा अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। राज्य के 36 में से 18 जिलों में किसी न किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है। इसकी वजह भी समझिए। देश में बुधवार को सामने आए 35,871 नए कोविड केस में से 23,179 से ज्यादा यानी करीब 65% केस अकेले महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र में पिछली बार एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए कोविड केस करीब 6 महीने पहले यानी पिछले साल 23 सितंबर को आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव वायरस के पहले वार से कहीं ज्यादा मारक है। 2 मार्च से 17 मार्च के बीच महाराष्ट्र में रोज के नए केस 126% बढ़ गए, जबकि पिछले साल महाराष्ट्र में कोरोना की फर्स्ट वेव की पीक यानी 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच केस बढ़ने की रफ्तार 69% थी। आज महाराष्ट्र में हर दिन 1 से 1.25 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अगर हम महाराष्ट्र में कोविड के पिछले वेव की बात करें तो तब पॉजिटिविटी रेट 10.7% था, जो इस समय 19.3% है। डेली केस जो घटकर प्रतिदिन 6 से 7 हजार तक आ गए थे वो भी 3 गुना बढ़ गए हैं। हर रोज 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड केस में तेजी फरवरी की शुरुआत में देखी गई थी। उस समय विदर्भ के नागपुर, अमरावती, अकोला और बुलढाणा में ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव ने मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और रत्नागिरी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पुणे में एक दिन में ही 2,500 से ज्यादा नए कोविड केस आने के बाद मेयर ने इमरजेंसी मीटिंग करके लोगों की आवाजाही पर कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। शहर में रात का कर्फ्यू पहले ही लगाया जा चुका है। कोरोना की फर्स्ट वेव से कामयाबी से निपटने के चलते मुंबई शहर ने कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरती। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, मंडियां, कहीं भी नजर दौड़ाएं, आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिखता। जुर्माने की सख्ती के बावजूद लोग मास्क के बगैर घूमते दिख जाते हैं। पिछले 5 दिनों में मुंबई में नए केस लगातार बढ़ते दिखे हैं। 13 मार्च को 1709 केस आए, 14 मार्च को 1963 केस, 15 मार्च को 1713 केस, 16 मार्च को 1922 केस और 17 मार्च को 2377 केस आए। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मुंबई शहर में मंडियों को मैदानों में लगाने और बाजारों में सख्ती बढ़ाने को लेकर विचार हो रहा है। साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है। अभी मार्केट का हम सोच रहे कि जो भीड़ वाले मार्केट हैं वो थोड़े बड़े बड़े मैदान में लेके, तो भीड़ रही तो भी सोशल डिस्टेंसिंग यूज करेंगे, ये हम कर रहे। कल ही पुलिस, महानगर पालिका, राज्य सरकार की मीटिंग भी हुई है उसके ऊपर। रात को जो हमारे एसी ये रहते बीचेस और हमारे प्रार्थना स्थल या पब होटल उसके ऊपर क्या करना है उसकी भी बातचीत चालू है। और मुझे लगता है रात को 11 बजे के बाद सुबह तक बिल्कुल भीड़ नहीं हो, या तो उसको कहते हैं ना कि नाइट कर्फ्यू, वो थोड़ा लगाना जरूरी लगता है मुझे। महाराष्ट्र के कुछ बड़े शहरों की बात करें तो ठाणे में सभी हॉटस्पॉट में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। मीरा भयंदर में हर कंटेनमेंट जोन को लॉकडाउन के दायरे में लाया गया है। वर्धा में सभी हॉटस्पॉट लॉकडाउन के दायरे में है। औरंगाबाद में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पनवेल, नांदेड़, कल्याण, डोंबिवली में नाइट कर्फ्यू जारी है। जलगांव में पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था जिसे अब हटा लिया गया है। वहीं वाशिम में हर हफ्ते शनिवार से सोमवार सुबह तक 38 घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। नासिक और अहमदनगर में रात का कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जा रहा है। कोरोना से पूरे महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं, फिर भी महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में फुल लॉकडाउन नहीं लगा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। अगर महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन लगता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, MIDCs हैं, और अगर
फुल लॉकडाउन लगता है तो इन एमआईडीसी इकाइयों पर, इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी डावाडोल हो जाएगी। यही वजह है कि 65% से ज्यादा कोरोना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन अब तक नहीं लग पाया है। कोरोना की सेकंड वेव के शिकार गुजरात ने भी फुल लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह भी वही है जो महाराष्ट्र की है। गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल राज्य है। यहाँ लॉकडाउन लगाने का मतलब बड़े पैमाने पर काम धंधा चौपट। इसलिए अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य के स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। अहमदाबाद में सिटी बस सेवा के साथ साथ पार्क भी दोबारा बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा पंजाब में भी कोरोना की स्पीड बेहद डेंजरस है। ये पिछले साल के पीक लेवल से आगे बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों में पंजाब के कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो 13 मार्च को 1510 नए केस आए, तो 14 मार्च को 1492, 15 मार्च को 1818 नए मामलों का पता चला, तो 16 मार्च को 1463 और 17 मार्च को 2013 केस सामने आए। हालात बिगड़ते देख पंजाब के 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। मगर चिंता की सबसे अधिक बात यह है कि पंजाब में कोरोना के नए मामलों में सीरियस केस का हिस्सा बहुत अधिक है। ये साडा वास्ते बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन दिस। आई नो कईयां नूं पसंद नहीं आना, बट दैट इज माई ड्यूटी एंड आई विल डू इट। बट टू स्टार्ट विथ आई थिंक टूडे वी विल इनफोर्स कर्फ्यू फ्रॉम 9 o'clock, not 11 o'clock. I am going to start that today. We will have to cut down on movement. I hope people understand ke mask pahna pau, hath tohne pahenge. For God's sake, tusi apne Punjabiyan di jana bachaiye. And I, till such time, there is Sat district ne, there I am bringing forward curfew from 9 o'clock. Ikta hai hai. Chahe logan pasand hoye, we will restrict movement, we will restrict gatherings, we will do everything in our powers to ensure that this disease does not spread. देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों का एवरेज ये है कि यहाँ लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली में सभी को कोविड का टीका लगाने की इजाजत मिले। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में महामारी के हालात से घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के पड़ोसी गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं यूपी के पड़ोसी मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कम से कम 10 जिलों में हालात बिगड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ये आप सब जो रात्रि में घूम रहे हैं, कृपया घूमना बंद करें, अपने अपने घरों में जाइए। शासन के और श्रीमान कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश है, रात्रि में 10 बजे के बाद कोई घूमता नहीं मिलेगा। ये आप लोग जो बैठे हैं दुकानों के बाहर, कृपया करके अपने अपने वाहन लेकर गंतव्य को जाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना पड़ेगी। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नाइट कर्फ्यू से क्या होगा, कोरोना की इस नई वेव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी और लगभग सभी मुख्यमंत्रियों का मानना है कि सेकंड वेव को रोकने के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, आम आदमी का काम धंधा चौपट होगा, निजी कारोबारियों के धंधे को चोट पहुंचेगी। इसलिए लॉकडाउन से बेहतर उपाय ये है कि सावधानी बरती जाए। सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू किया है, आवाजाही और काम धंधे में रियायतें दी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। जरूरत है मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, भीड़ जमा होने देने से बचने की, कोविड की बाकी गाइडलाइंस का पालन करने की। इन बातों का पालन करने से आप कोरोना से भी बच सकेंगे और लॉकडाउन से भी। महामारी की रोकथाम सिर्फ सरकार की नहीं, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।